तो भाइयों और बहनों, आज का दिन है कुछ खास। आज मैं खेलने वाला हूँ एक सोलो फ्री फायर टूर्नामेंट फॉर 24 आवर्स स्ट्रेट। देखते हैं कितना टिकता हूँ और क्या चैलेंजेस फेस करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं टूर्नामेंट में अपनी आईडी यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने खास दोस्त की आईडी से खेलूंगा और उसी के नाम से रजिस्टर किया। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने जल्दी जल्दी खिलाड़ी अड्डा डाउनलोड किया, उसमें साइन अप किया। साइन अप करते ही मुझे 25 रुपीज मिल गए, जिसमें से मुझसे 5 रुपीज वेस्ट हो गए, तो बचे 20 रुपीज। अब मैंने जल्दी जल्दी 10 रुपीज वाला ज्वाइन किया। अब बस वेट था मैच के आईडीपी आने का। टाइम था 6:40 का, तो मैं 10 मिनट पहले ही यानी 6:30 पे ऑनलाइन आ गया और फिर मैंने आईडीपी डाल के ज्वाइन कर लिया और मैच शुरू हुआ। नेक्स्ट्रा मैप लगा था, तो मैं उस मैच में मड साइड पे उतरा और मैं जैसे ही उतरा मेरे बगल में एक और बंदा उतरा। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे M10 लेवल 1 की मिल गई और मैंने उस पर रश कर दिया। बट उसके पास भी M240 थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट वो नीचे गिर गया, तो मैंने नीचे कूद कर उसे मार दिया। और मैंने नोटिस किया कि उसमें रिवाइवल ऑन था, जिसकी वजह से मुझे छुपना पड़ा। मैं उधर से दूर भागा और मैंने सोचा कि बंदा अपनी लूट करने आएगा, बट पिंग भी लो चल रहा था। मैं उधर से भाग ही रहा था कि तभी मैंने पीछे देखा तो वो बंदा आ गया था। मैंने उसे 2 गोली मार पाई और उसने मुझे हेडशॉट से खत्म कर दिया। अब आप कुछ अजीब यूनिक सा देखोगे, मुझे रिवाइवल मिला और मैं उस बंदे के ऊपर कूदा और वो हील कर रहा था। मैंने प्रॉपर पोजीशन ली और उसे बायजोन से फेल दिया। बट अजीब बात ये हुई, जहां मैं मरा था वहां से मेरी लूट ही गायब हो गई। मैं वहां कम से कम 5 मिनट ढूंढता रहा बट मुझे लूट नहीं मिली, तो मैं वहां से निकल गया। अब आप यहां से देखो, मैं लूट करके सेफ जोन में जा ही रहा था कि तभी मुझे गाड़ी का साउंड आया, तो मैं कवर के लिए सामने वाले घर में जा रहा था। बट ये बंदा कैंप कर रहा था और उसने मुझे पेल दिया। ऐसे मेरा पहला गेम निकला जिसमें मेरे 2 किल्स थे, जिस वजह से मुझे 14 रुपए मिले और अब मेरे पास टोटल 29 रुपीज थे। अब मैं कुछ वजह से खिलाड़ी अड्डा पे टूर्नामेंट खेल नहीं पा रहा था, तो मैंने गेमर जी डाउनलोड किया और लॉग इन किया। फिर मैंने 6 बजे का टूर्नामेंट रजिस्टर किया। जब गेम स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि दूर उतरू तो कैप टाउन के बगल वाली जगह बेस्ट थी, बट ज्यादा दूर होने के कारण मैं उतनी दूर पहुंच नहीं पाया और पीक और कैप टाउन की बीच वाली जगह पे उतरा, जहां एक बंदा था। बट मैं उससे बच के भागा कैप टाउन के लिए। मैंने उधर आराम से लूट की और अब जॉन आ गया था, तो मैं सेफ जॉन के लिए जाने लगा। फिर मुझे लगा मेरे जैसा कोई बंदा पक्का कैप टाउन गया होगा, उसे देखता हूँ। बट उधर तो नहीं, बट बगल में एक दिखा जिसके पास रोजा थी। बट जब मैंने फायर किया तो मुझे शॉक मिला कि भाई मैच में प्रिसाइज स्कोप ऑन है, मतलब मेरा एम चिपक नहीं रहा था और रेड भी नहीं हो रहा था, मतलब पबजी जैसा था, इसलिए उसे गोली नहीं लगी। और फिर हम दोनों ग्लू के कवर में चले गए, पर वो मुझे लॉन्चर मारने लगा, मेरी ग्लू तोड़ने लगा। मेरे पास भी नेल्टर था, तो मैंने उसे यूज किया। अब उसकी ग्लू खत्म हो गई थी, तो वो पेड़ के कवर में चला गया, तो मैंने भी जय श्री राम बोल के रश कर दिया और उसे स्कोप ऑन करके फेल दिया। तो आपने इस फाइट से क्या सीखा, मैं बताता हूँ। इससे हमें ये समझ आता है कि हम पे जितनी भी लूट हो उसे यूज करनी चाहिए। अब जॉन आ गया था और बंदे ने भी तगड़ा डैमेज दे दिया था, तो मैं सेफ जोन की तरफ भागा। अब मुझे पीक पे खतरा लग रहा था, तो मैं साइड से जाने लगा। तभी मुझे एक बंदा दिखा जो कि जिप लाइन यूज करके आया और लूट कर रहा था। बट अगर वो बंदा थोड़ा रुकता तो मैं स्कोप ऑन करके हेडशॉट मार देता। बट अब आप आगे खुद देखो क्या हुआ। ये मुझ पे गलती से लगा, ऐसे ही अब मैं लूट ही रहा था कि मुझ पे कहीं से फायर हुआ, तो मैं झोपड़ी में ग्लू लगा के मेडी करने लगा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने मुझे फिर फ्रीजर से डैमेज दे दिया और मेल्टर से ग्लू तोड़ दी। बट मैंने ग्लू का कवर लिया और लैंडमाइन लगा दिया, क्योंकि ग्लू खत्म हो गई थी और मेरा दी एंड हो गया इस मैच में विथ 2 किल्स, जिसका मतलब मेरे 500 डायमंड्स बने गेमर जी के। तो गाइस, खिलाड़ी अड्डा में मैंने अर्न किया 29 रुपीज एंड गेमर जी में मैंने अर्न किया 500 डायमंड, जिसको मैं इजिली विड्रॉल कर सकता हूँ। हाँ, आप लोग भी कर सकते हो और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बाय द वे, मैं इसके आगे भी बनाने वाला था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग में आप लोगों को बस इतना ही बताऊं। अगर आगे भी आप लोगों को चाहिए ऐसे ही कंटेंट, तो प्लीज मुझे कमेंट में सजेस्ट करो एंड कमेंट में बताओ कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसे कंटेंट्स के लिए। एंड आगे मैं और भी बहुत सारे चैलेंजेस वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को अर्न करके भी बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में बताना। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और लाइक नहीं किया तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और भैया सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है ना, वो घंटा वाला आइकन है, उस पर जो फेंक के मारना है मार दो, बट हाँ ऑल पे सेट जरूर कर देना, ताकि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। तो बस मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।